छोटा लगभग 12 साल की आयु है, प्रिंस भाई हैं छोटे, और बैलों से हल चलाना सीख रहे हैं, तो बैलों से बिजाई करते हैं। काफ़ी इंटरेस्ट है इनका भी बैलों से खेती करने में। आजकल के जो बच्चे हैं फोनों में घुसे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन इसके विपरीत 12 साल की आयु में बैलों से खेती करता है। ये देखें आप, बैल भी बड़े समझदार हैं, अपने आप मुड़ जाते हैं। लगभग सीख चुका है ये लड़का बैलों से खेती करना। युवा पीढ़ी को या आजकल के बच्चों को प्रिंस भाई से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी अपने आधार से जुड़े, अपने मूल से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े और बैलों से खेती करें। प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूँ जागरूक किसान चैनल पर। तो ये देखें, काफ़ी लंबे तगड़े हरियाणा नस्ल के बैल जो सिसाणा गांव की पावन भूमि पर सरसों की बिजाई करते हुए, तो आज सुबह से लगभग 2 एकड़ खेत की बिजाई कर चुके हैं और अब 9 बजे हैं। शाम को 6 बजे तक खेतों में कमाई करते हैं और लगभग 7 से 8 एकड़ प्रतिदिन सरसों की बिजाई करते हैं। यहाँ पर आसपास में जितना भी क्षेत्र है ये बैलों से बिजाई की हुई सरसों का ही क्षेत्र है। ये देखें आप, लगभग 15 एकड़ ज़मीन है एक ही किसान की, उस सारी ज़मीन में सरसों की बिजाई करनी है इन दोनों बैलों ने। तो 7 एकड़ की कल की थी और लगभग 8 एकड़ की बिजाई आज कर देंगे। तो ये देखें आप, दूर दूर तक जो खाली पड़े खेत हैं इसमें सरसों की बिजाई करनी है और लगभग 800 रुपये लेते हैं 1 एकड़ के। तो 8 एकड़ ज़मीन की अगर आज बिजाई कर देते हैं तो 6400 रुपये हो जाते हैं सिर्फ आज के। तो कहाँ बेरोजगारी है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर मेहनत करें तो कोई भी किसान का बेटा आराम से घर बैठे खा सकता है। यहाँ पर तीनों भाई हैं और तीनों भाई बैलों से खेती करना जानते हैं। इनको पता है कि किस प्रकार बैल खेत कमाई करते हैं, किस प्रकार बैलों ने खूब कमा कमा कर भारत को सोने की चिड़िया बनाया और आज भी बैलों को थामे हुए हैं, बैलों को अपने खुट्टे पर रखते हैं। तो यहाँ पर रमेश जी आपको बताएंगे बारीकी से। तो रमेश जी, राम राम, जय गो माता। राम राम भाई। कितने एकड़ की खेती करते हो आप बैलों से? मारे तो भाई ला ले 10 किले के। हाँ, 10 किले खुद के हैं। हाँ, और किराया कर लेते हो? किराया चलते ही भी है, किराए पर चलते हैं अब। हाँ, फिलहाल किराए पे। हाँ, किराए चल रही भी है। तो जैसे आप सरसों की बिजाई कर रहे हो? सरसों में कर रहे हैं। और क्या क्या काम कर लेते हो बैलों से? बैलों से भाई ये खड़ते हैं। हाँ, ये खलते हो? हाँ, गोभी अड़ दिया। हाँ, गोभी भी अड़ देते हो? हाँ, आलू अड़ दिया भाई, गाजर अड़ दिया, आलू गाजर बैंगन सब कुछ सब बताओ सब। तो आपके जो क्षेत्र में चने बो दिया, सब्जियों की खेती की जाती है, सब्जियों को भी जो बोया जा सकता है या उनको ला जा सकता है। तो आप जैसे आज कितने बजे आए थे सुबह यहाँ? हम 6 बजे आए थे। 6 बजे बैलों को लेकर आते और शाम को किस टाइम? शाम को 6 बजे छोड़ देते। शाम को भी 6 बजे? लगभग 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे, 2-2.5 घंटे दोपहर रेस्ट देते हैं। दोपहर में लगभग 2 से 2.5 घंटे रेस्ट और लगभग आधा घंटा सुबह आने का, आधा घंटा शाम को जाने का। तो ये मानिए लगभग 8 घंटे काम करते होंगे बैल। तो 8 घंटे में कितने एकड़ की बिजाई कर देते हैं प्रतिदिन? 8 एकड़ ही हो जाए। 8 एकड़ की हो जाती है? हाँ, 1 घंटे में 1 किला निकल जाए। 1 किला निकल जाता है। हाँ, तो 1 एकड़ के आप कितने पैसे लेते हो? 800 रुपये लेते हैं। 800 रुपये लेते जो मशीन दबो वहाँ। जी जी। और तबोगे 1200 लेंगे। हल से 1200, ठीक है। हाँ, तो जैसे आज मशीन से बिजाई चल रही है। हाँ, तो 800 रुपये हो गए आपके 1 एकड़ के, तो लगभग 6400 रुपये हो गए आपके शाम तक। और अगर आपको लगभग 1 महीने तक ये काम जरूर मिलेगा तो ये लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में बैल कमाई कर देंगे सिर्फ एक सीजन की। तो ये सच की कमाई है, ये कोई झूठ मूठ की बात नहीं है। यहाँ पर जो ये पीछे हैं इन्हीं का खेत है। हाँ, इन्हीं का खेत, सही हो रहा। क्या नाम जी आपका? संजय नाम। संजय नाम आपका। आपके पास ट्रैक्टर भी है जैसे वो रहा पीछे, आप उससे जो मेड़े बना रहे हो खेत की। तो आप जैसे ट्रैक्टर होते हुए भी आपने बैलों से बिजाई क्यों करवाई? खेत में गए। जी जी जी। एक वैसे बोनी पड़े मशीन थे जी, तो कुछ फर्क देखने को मिलता उत्पादन में? जैसे एक तो ट्रैक्टर से बिजाई हो, एक बैलों से बिजाई हो, बड़ा दागी दिनारी खेती हो, ट्रैक्टर की हो है। जी जी। एक अंग्रेजी दवाई हो, एक देसी दवाई हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी हमारे गांव गोवांड में, हमारे हरियाणा में आज भी माना जाता है किसानों के द्वारा कि बैलों से खेती उत्तम होती है, उत्तम दर्जे की खेती होती है। संजय जी के पास ट्रैक्टर है लेकिन फिर भी इन्होंने जो बैलों से खेती करवाई, बैलों से बिजाई करवा रहे हैं और किराया दे रहे हैं। ये देखें आप, ये घुमा दे, ये सारा खेत आपका ये जी? हाँ, कितने एकड़ का खेत है ये? 20 किले हमारे यहाँ। 20 एकड़ जमीन आपके यहाँ पे? 15 किले बोवाऊंगे। 15 किले बिजाई करवाओगे सरसों की?
नौ किले तो बोलिए, कितने बो चुके हैं? नौ बोलिए, सात काल बो गए थे और दो ही बोलिए। तो सात एकड़ जमीन की बिजाई कल की थी और दो एकड़ अब सुबह से कर चुके हैं, अब नौ बजे हैं, कल अंगवारी आए थे। जी जी जी, ठीक है ठीक है। और शाम तक आप कर दोगे बिजाई सारी? हाँ, शाम तक ये सारी बिजाई कर देंगे। जी जी, तो ये देखें आप, दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक खाली पड़े खेत हैं। यहाँ पर सरसों की बिजाई हो चुकी है, तो ये देखें आप, और काफ़ी सुंदर परिवार है इनका। ना सिर्फ रमेश जी बल्कि जो इनके भाई हैं, छोटे भाई दोनों, ये भी बैलों से खेती करना जानते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? राकेश। राकेश भाई, आप भी बैल चला लेते हो? हम भी चला लेते। तो कितने सालों से चला रहे हो बैल आप? बैल भाई से चला रहे हैं। कितनी की उम्र में आपने हल को थाम लिया था? 15 साल की आयु में। वाजिबा। और आपने भाई साहब? मैंने 13 साल। 13 साल की आयु में। तो आप जैसे आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बैल से, गाय गोबर से दूर रहना पसंद करती है, लेकिन आपके जैसे जो होनहार युवा हैं अभी भी बैलों का जो हल थामे हुए हैं। खर्चा कम है, आमदनी ज्यादा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप... बुखार चल जाएगा, पैसा चल जाएगा, ट्रैक्टर नहीं चलेगा ना। ट्रैक्टर तो वही बंद हो जाएगा, डीजल खत्म होते ही। और बोलते जी सा बाखर ज्यादा खवाएगा, ज्यादा काम करेगा, कम खवाया कम करेगा। जी जी, बिल्कुल। तो बैल से की हुई खेती में अनाज भी अधिक पैदा होता है, पैदावार अच्छी होती है। और बैल इवे संजय भाई सरसों बो आ रहा है, इसलिए वो आ रहा है, बैलों की सरसों में ज्यादा फूट करती है, ज्यादा फूट करती है और ज्यादा पैदावार मिलेगी। मशीन की में ज्यादा बीज पड़ता है। एक बात और है, जैसे जहाँ से ट्रैक्टर का टायर जाएगा वहाँ से जमीन कठोर हो जाएगी, वहाँ से बीज पनप नहीं पाएगा, नहीं पनपता। लेकिन बैल है बेचारों में थोड़ा सा वजन है, कहीं कहीं पैर रखेंगे। ये देखें आप, बैल ने गोमूत्र किया है अभी, तो बैल खेत में चलेगा तो अवश्य गोबर गोमूत्र डालेगा, जिससे खाद का काम भी होगा, और जहाँ से बैल जाएंगे वहाँ से एक एक दाना अंकुरित होगा। तो ये फायदे हैं बैलों से खेती करने के। अगर भारतवर्ष के सभी किसान एक घर में एक बैल भी रखने लग जाएं, तो भी सड़कों से बेसहारा गोवंश को ख़त्म किया जा सकता है, सभी घरों में सभी को जो पनाह मिल जाएगी। और जो संजय भाई जैसे किसान साथी हैं, एक समझदार किसान साथी हैं, जो ट्रैक्टर होते हुए भी बैलों से बिजाई कर रहे हैं, तो संजय भाई जैसे किसानों को भी आगे आना चाहिए ताकि बैलों को रोज़गार दिया जा सके। अगर बैलों को रोज़गार मिलेगा तो हाली को रोज़गार मिलेगा, और हाली को रोज़गार मिलेगा तो हाली के मन में ज़रूर ऐसा ही बात आएगी कि काश मैं एक जोड़ी और खुट्टे पर रख लूँ। तो रमेश जी, आपने सोचा होगा कि एक जोड़ी और रख लूँ मैं अपने खुट्टे? सोच इधर है यहाँ। जी जी जी, तो क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कमाई है, और आपके परिवार में चलाने वाले भी लगभग तीन साथी हैं। तीन है। जी जी जी, तो ये देखें आप, काफ़ी लंबे तगड़े हरियाणा नस्ल के बैल हैं। रमेश जी, जैसे अगर आपसे कोई संपर्क करे, फ़ोन करे बैल लेने के लिए, तो आप बेच भी दोगे? नहीं, हम एक जोड़ी और लेंगे बैल। एक जोड़ी और लेने हैं? हाँ। तो ये देखें आप, ये हैं सच्चे किसान, बैल को गांव के जायों को बेचना पसंद नहीं करते। तीन भाई चलाने वाले हाँ जी हैं, एक बैल और ले पाते हमारा जोटे लेके जाएगा, तीन आदमी हम काम करने। बिल्कुल। अरे हमारे गाँव आड में 10-5 गाँव हमारी जोड़ी है, यहाँ आस पास में कहीं किसी के ना कहीं भी नहीं है। तो पूरे आसपास के 4-5 गांव में आप ही जाते हो पहले किराया करने? तो ये देखें, गांव सिसाना के आसपास के क्षेत्र में अगर कोई जागरूक किसान है तो अवश्य बैलों की जोट लेकर आइए, क्योंकि यहां पर खुले दरवाजे हैं बैलों से किराया मिलने के, अनेकों फायदे मिलेंगे, अनेकों लाभ मिलेंगे। आसपास के क्षेत्र में ज़रूर यहाँ पर बैल लेकर आएँ, अपनी जोट लेकर आएँ। कोई भी आसपास के क्षेत्र में बेरोजगार युवा है तो ज़रूर बैलों से खेती करके अधिक आमदन अपनी बढ़ाएं। फ़ोन नंबर बोल के बताएं जी। 90 50 50 13 85 85 30 30। आप और बताएं भाई साहब, आप और बताएं। 98 137 137 53 53 740 740। आप भी बताएं अपना नंबर बताएं। 98 137 53 747 53 747। सिसाना गांव के आसपास में अगर किसी साथी को बैलों से बिजाई करवानी हो, बैलों से गोभी हलवानी हो, बैलों से आलू हलवाने हो, तो जरूर यहां पर संपर्क कर सकते हैं। किसान साथियों को जो रोजगार दे सकते हैं, बैलों को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन बैल खरीदने के लिए संपर्क न करें, क्योंकि बैल बिकाऊ नहीं है। रमेश जी, जैसे आपके बैल हैं काफ़ी लंबे तगड़े शरीर के साथ हैं, काफ़ी ज़्यादा काम लेते हो आप इनसे, तो इनको खाने में भी ऐसा ही देना पड़ता होगा? हाँ, देना पड़ा है। क्या क्या खिलाते हो आप? शाम को देते हैं इनका हलवा। हलवा? हाँ। किस चीज़ का? सरसों में तेल का। सरसों के तेल का? कितने ग्राम सरसों का तेल हो जाता है? कम से कम आधा किलो का। आधा किलो दोनों के लिए? हाँ, दोनों के लिए। और फिर उसमें हलवा हो गया। हाँ। अब जैसे भी सीजन आपका काम करना, सुबह देवांगे एक एक किलो दूध और उसमें थोड़ा थोड़ा घी,
एक एक किलो दूध दोनों को? हाँ। नाल से पिलाते हो अपने आप पी लेते हैं? ना पी लेंगे, अपने आप पी लेते हैं। हाँ। घी कितना मिलाओगे लगभग? घी वून में कम से कम पैया घी रलाना पड़ेगा। हाँ। फीड में क्या क्या खिलाते हो? बिनोड़ा है, बिनोड़ा चना का दलिया है, चने का दलिया, गेहूं का दलिया, गेहूं का दलिया। हाँ। ये वाजवा तो लगभग कितना हो जाता है अंदाजे से? एक किलो, दो किलो, तीन किलो? ज्यादा भाई इमने ला ले, इबके तो लजा है, जितना खा ले इतना है, पैसे भी भेज दिया। हां, मुंह छोड़ के लाते हो इनको? जितना खाओ इतना, जितना इनका मन करे उतना खा लेते हैं। तो ये देखें आप बैलों का स्वास्थ्य, देखें काफी लंबे तगड़े बैल हैं। अगर इतना काम बैलों से लेते हैं तो इतना खिलाते भी हैं। तो बहुत सारे किसान साथी बैलों को खिलाते पिलाते बहुत कम है, लेकिन उनसे काम बहुत ज़्यादा लेते हैं। बैलों की पसलियाँ चमकती रहती हैं, तो ऐसा न करें। अगर बैलों से आप इतनी कमाई करते हो तो थोड़ा बहुत तो उस कमाई में से बैलों के ऊपर भी खर्च करना चाहिए।